इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में छात्रा के सुसाइड केस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने इंडेक्स कॉलेज के चेयरमैन सुरेश भदौरिया और एचओडी डॉक्टर के खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की एनेस्थीसिया विभाग की फाइनल ईयर की छात्रा डॉक्टर स्मृति लाहरपुरे सुसाइड केस में पुलिस ने कॉलेज के चेयरमैन और विभाग अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 11 जून की रात छात्रा ने कॉलेज के हॉस्टल में इंट्राकैथ के जरिए एनेस्थीसिया का हाई डोज इंजेक्ट कर आत्महत्या कर ली थी। छात्रा ने आत्महत्या के पहले 4 पन्नों का सुइसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने कॉलेज प्रबंधन द्वारा परेशान करने की बात लिखी थी और कॉलेज के चेयरमैन सुरेश भदौरिया और एचओडी डॉक्टर के खान को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। यह सुइसाइड नोट अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वहीं छात्रा के परिजनों ने कॉलेज पर फीस वसूलने का आरोप लगाया, साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उधर खुड़ेल थाना पुलिस ने भी बताया कि इंडेक्स के चेयरमैन भदौरिया और एचओडी डॉक्टर के खान पर जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। उसको इतना मजबूर किया, मेरी बेटी तो सैटरडे को 9 जून को घर आने वाली थी। क्या मालूम ये 2 दिनों में भदौरिया और खान ने उसको कितना प्रताड़ित किया, क्या किया कि उसको हत्या करनी, अपनी आत्महत्या करना पड़ी। और मैं इसको आत्महत्या नहीं बोलूँगी, मैं इसको ये बोलूँगी कि उसको हत्या की गई है। उसको इतना अधिक टॉर्चर किया गया है कि मेरी बेटी सहन नहीं कर पाई। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि इन दोनों ने मुझे मेंटली फिजिकली इतना टॉर्चर करते थे। इनकी लोगों के सामने के खान तो इतनी इंसल्ट करती थी, और ये भदौरिया का हाथ था। भदौरिया उससे बोलता था के खान से, क्योंकि मेरी बेटी एनेस्थीसिया में कर रही थी और एनेस्थीसिया की एचओडी जो खान थी वो उसकी एचओडी थी। और सबसे सरल उपाय उसको खान थी कि जिसके द्वारा वो मेरी बेटी को टॉर्चर करवा रहा था। कुल मिलाकर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में अहम खुलासे हो सकते हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इसके जिम्मेदारों को कब तक गिरफ्तार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।